इन दोस्तों यूडीसीआर में आपका स्वागत है। अभी हम बात करेंगे ईसीएस स्विट्जरलैंड टी10 का जो आज के दिन का थर्ड मैच खेला जाएगा उस मैच के बारे में। तो दोस्तों ये मैच खेला जाएगा आपके ज्यूरिख लायंस और एसटी गैलन सीसी के बीच में। ज्यूरिख लायंस की टीम की बता दें आपको, इनके प्लेयर्स के बारे में पता ही है कौन कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, पर ये जो टीम है ना एसजीसीसी, इनकी प्लेइंग 11 और प्लेयर्स के बारे में आपको जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आज इन इस टीम का फर्स्ट मैच है। तो आपको बहुत चीज़ें जानना बहुत इंपॉर्टेंट है इन्वेस्टमेंट से पहले, तो ये चीज़ याद रखना है। तो ये मैच में आपको एक नॉर्मल इन्वेस्टमेंट रखना है, ज़्यादा हाई इन्वेस्टमेंट मत रखिए इस मैच में। तो चलिए बात करते हैं इस मैच की। तो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। ये वाला जो आइकन है सब्सक्राइब का बटन है, इस पर आपको क्लिक करना है और नोटिफिकेशन को आपको ऑल कर देना है और वीडियो को एक लाइक कर देना है। तो सबसे पहले तो आप ये कर लीजिए, उसके बाद आपको डिस्क्रिप्शन में जाना है। आपको पहला जो लिंक मिलेगा ना दोस्तों, इस वाले लिंक को जो मैं मार्क कर रहा हूँ, देखिए ध्यान से, इस वाले लिंक पे टैप करना है और हमारे टेलीग्राम चैनल जो कि है @udcra, एक सेकंड, तो ये दोस्तों ये है हमारा टेलीग्राम का पेज। आपको इस वाले लिंक पर क्लिक करना है, इस वाले, और हमारे टेलीग्राम चैनल पर आ जाना है डायरेक्टली और आके इस पर ज्वाइन कर लेना है। यहाँ पर जो ब्रॉडकास्ट का बटन आप दिख रहे हैं, नीचे जो ब्रॉडकास्ट लिखा हुआ आ रहा है, ठीक इसी जगह पर आपको ज्वाइन का बटन दिख रहा होगा, है ना। तो आपको ज्वाइन हो जाना है हमारे टेलीग्राम चैनल से, क्योंकि टॉस के बाद जो फाइनल टीम आएगी, फाइनल अपडेट्स आएंगी ना, वो आएंगी सिर्फ और सिर्फ हमारे टेलीग्राम चैनल पर। अगर प्लेइंग 11 में कुछ भी चेंजेस हुआ, लाइनअप्स में कुछ भी चेंजेस हुआ और फाइनल टीम में हमें कुछ भी अपडेट करना पड़ा तो आपको टेलीग्राम पे सब कुछ बताया जाएगा सबसे पहले। तो टेलीग्राम से जुड़ना बहुत ज़रूरी है। तो बात करते हैं आगे मैच की, चलिए बात करते हैं इस मैच की। वीडियो ज़्यादा बनाने होगा, 5 से 6 मिनट का वीडियो होगा, तो पूरा वीडियो ज़रूर देखना, शायद 5 मिनट से भी कम हो सकता है वीडियो, तो पूरा वीडियो ज़रूर देखना। तो चलते हैं इस पर। तो इस टीम के जो ना ZL, एक सेकंड, ये जो टीम है ZLS, इसके प्लेयर्स के बारे में सबको पता होगा क्योंकि उनका पिछला 2-3 मैचेस हो चुके हैं। इनके प्लेयर्स के बारे में हर कोई जानता होगा, हर कोई इन प्लेयर्स को पहचानता होगा, पर ये जो टीम है ना SGCC की टीम, इसके प्लेयर्स के बारे में सब अनजान है। तो आपको ज़रूर जानना चाहिए इस प्लेयर की टीम के बारे में। तो ZLS के पहले फिल्टर लगाते हैं ZLS। तो ZLS का जो पिछला मैच था वो कैसा गया वो एक बार देख लेते हैं। ज्यूरिख लायंस दोस्तों, कहा गया दोस्तों ये रहा इनका मैच। तो ओपनिंग कर रहे हैं आपके आयुष लाल, फिर वदानी लखमल, उसके बाद सलोनी दफारी, कुछ इस तरह से हमारे टीम में लाल वर्धाना, कहा गया ये लाल, फिर वर्धाना, फिर हमारे पास लक्ष्मणन, ये रहे ये, उसके बाद सलेवन, ये रहे। तो ये 4 प्लेयर्स और ये एक 5वां प्लेयर, तो ये दो, ये 6 प्लेयर्स तो हमारे टीम में पक्का हो जाएंगे, पक्का हमारे टीम में होंगे। आप बोलेंगे आपने कुछ देखा नहीं, कुछ स्टैट्स नहीं बताया, कुछ नहीं बताया, डायरेक्टली इनको अपने टीम में रख लिया। दोस्तों ऐसा क्यों दोस्तों, इनके बारे में हमें अच्छे से मालूम है कौन क्या कर सकता है। बहुत ही तगड़े बैट्समैन है इनका। 2-3 मैचेस जो आप देखते हैं ना, देख रहे हैं आज जो इनके मैचेस गए, 2-3 मैचेस गए एक एक टीम से, ZLS की टीम से, इन्होंने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया दोनों ही प्लेयर्स ने, तो इसलिए हम इनको टीम में रखेंगे। एलाल ने तो 175 का इनिंग्स खेला था पहले मैच में, दूसरे मैच में हालांकि फ्लॉप हो गए थे पर तगड़े हिटर है दोस्तों। ये वदाना बोलने की ज़रूरत है नहीं, 45 रन बनाया थे सिर्फ 20 बॉल्स में। सेम कैशा आपको 2 ओवर बॉलिंग करके ज़रूर देंगे या डाउन ऑर्डर में आपको एक स्टेबिलिटी देंगे कैशा। ये तो 2 डाउन बैटिंग करने आ रहे हैं, 2 ओवर बॉलिंग कर रहे हैं। आपके लिए अगर रिस्की सी और वीसी की बात करें, स्मॉल लीग के रिस्की, इससे बढ़िया कोई कैप्टन स्मॉल लीग के लिए है ही नहीं दोस्तों, एन सलोन। अगर बात करें प्रकाश, आपको 2 ओवर करते ज़रूर दिखेंगे, 2 ओवर ये बॉलिंग पक्का करेंगे। ए लक्ष्मणन पार्ट टाइम बॉलिंग करते हैं पर फुल टाइम बैटिंग करते हैं दोस्तों, 1 डाउन बैटिंग करने आ जाएंगे। ये 6 प्लेयर्स तो इस टीम से हो गए, और बाकी SGCC की टीम की बात करें, यहाँ पर आपको खेलते हुए दिखेंगे, बताए कौन,
एस खिलोंगिया ने डायरेक्टली हम इनको टीम में रख लेना। उससे पहले चलिए इस पिच के बारे में देख लेते हैं ना एक बार। सॉरी ये ना थी, ये थी ना, ये है दोस्तों, ये नहीं है, ये नहीं है, ये रहा दोस्तों। तो पिच जो है ना वो पेसर्स को मदद करती है, बेटिंग की पिच है, और बाकी एवरेज जो टोटल है वो 116 का है, और बेटिंग फास्ट करके 118 का एवरेज है इस ग्राउंड पे। जो टीम टॉस जीतेगी वो डायरेक्टली बॉलिंग करना पसंद करेगी, और जो भी टीम पहले बॉलिंग करे ना वो 60% चांस है वो मैच जीत जाते हैं दोस्तों। तो ये चीज़ आप खासा ध्यान रखना जब टीम बनाओ। उसके बाद बैटिंग की बात करें, आपके पास एज खान का ऑप्शन है, बकार का ऑप्शन है, अब्बास का ऑप्शन है, पर हम यहाँ से मोहम्मद बकार के साथ जाएंगे, फिर यहाँ से ए महमूद आपके लिए एक बढ़िया ट्रम्प कार्ड प्लेयर सी और बी सी बनाने के ऑप्शन में आ जाते हैं ए महमूद। फिर यहाँ से अहमद जाई दोस्तों सबसे बढ़िया बॉलर इस टीम से, और एस अहमद जाई, एम अहमद जाई, ये दोनों हमको रखेंगे। नहीं, अब्दुल रहमान, यस मिल गए, अब्दुल रहमान ही हमारे टीम में होंगे। तो ये कुछ हमारे टीम रहेगी दोस्तों। कुछ भी चेंजेस हुआ आपको टेलीग्राम पर ही बताया जाएगा, टेलीग्राम से ज़रूर जुड़ जाना, टेलीग्राम का आपको बता दिया जाएगा किसको लेना है किसको नहीं लेना है। बाकी तो आपको हमारी टीम मिली जाएगी टेलीग्राम पर, फाइनल टीम। तो कैप्टेंसी की बात करें, हम जाएंगे दोस्तों पता है किसके साथ, एल लक्ष्मणन के साथ जाएंगे दोस्तों। वाइस कैप्टन जाएंगे एज ए रिस्की कैप्टन, वाइस कैप्टन एन सलोवेन की दोस्तों हम कैप्टन बनाएंगे, कहा गया दोस्तों ये रहे हमारे कैप्टन, वाइस कैप्टन हम बनाएंगे दोस्तों इन्हें, ये प्रकाश को दोस्तों, बहुत अच्छी बॉलिंग करे इसलिए बनाएंगे। तो अगर इसमें कुछ भी चेंजेस हुआ आपको टेलीग्राम पर ज़रूर मालूम चल जाएगा, तो टेलीग्राम से ज़रूर जुड़ जाना। और अगर अभी तक वीडियो को एक लाइक नहीं किया ना, वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। चलिए बात करते हैं अभी ग्रैंड लीग की सी और बी सी की। ग्रैंड लीग की सी की और बी सी की बात करें, ए लाल, ए मोहम्मद, एम अहमद जाए, ये तीनों आपके सबसे बढ़िया पिक बन जाएंगे ग्रैंड लीग की सी और बी सी के। इनको ट्राई ज़रूर करना अपनी टीम में सी और बी सी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद दोस्तों।